इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग बुक्स को रीड करके एक काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जिन प्लेटफॉर्म्स के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ये काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ही प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं जहां पर आपको बुक्स को रीड करना होता है। एंड एक एक बुक को रीड करने का ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये आपको बहुत ही डिसेंट अमाउंट देते हैं, ठीक है। आप इवन यहाँ पे $15 to $100 पर बुक अर्न कर सकते हैं। एंड इवन देखो ये जो काम है ये आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की जरूरत नहीं है, तो कोई भी इस काम को कर सकता है, ठीक है। मैं चाहूंगी आप लोग जरूर इसको ट्राई करें। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। सो गाइस चलिए अब देर ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आपको बताती हूँ इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सो गाइस देखो यहाँ पर मैं आपके लिए इन टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स लेकर के आई हूँ, ठीक है, जिन पर आप बुक्स को रीड करके एक बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से देखो पहला प्लेटफॉर्म जो हमारा है इसका नाम है बुक ब्राउज। तो देखो यहाँ पे बात आती है कि एक्चुअल में किस तरीके से आप यहाँ पे अर्निंग करोगे, किस तरीके से आपको यहाँ पे बुक्स को रीड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप जो भी बुक्स होंगी, बहुत सारी कैटेगरीज की बुक्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है, जो कि फिक्शन से रिलेटेड होंगी, ठीक है, रोमांस से रिलेटेड हो सकती हैं, नॉन फिक्शन हो सकती हैं, थ्रिलर हो सकती हैं, ठीक है। तो काफी सारी वैरायटी ऑफ बुक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, जिनको आप यहाँ पे जिनमें से कोई भी बुक आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। रीड आपको किस तरीके से करनी है, आप उनकी हार्ड कॉपी के थ्रू रीड कर सकते हैं उनको, ठीक है, मतलब बुक्स की फॉर्मेट में आप लोग रीड कर सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको उस पर्टिकुलर बुक का जो भी आपने चूज करी होती है उसका प्रिंटेड फॉर्मेट आपको भेजते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें आप सिर्फ डायरेक्टली मतलब उनकी ईबुक्स से आप रीड कर सकते हो उन बुक्स को, ठीक है। एंड बुक्स यहाँ पे आपको समझ करके रीड करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन प्लेटफॉर्म्स पर होता क्या है कि एक्चुअल में जब आप बुक को रीड कर लेते हो तो एक रिव्यू आपको इन प्लेटफॉर्म्स को देना होता है छोटा सा उस पर्टिकुलर बुक के बारे में, जिससे इनको पता चलता है कि यस आपने जो बुक है वो पूरी रीड कर ली है एंड ये आपकी तरफ से फीडबैक है उस बुक के लिए, ठीक है। अब देखो गाइस अब बात आती है कि आप लोग इन बुक्स को कैसे रीड करोगे, कैसे इन बुक्स को समझ पाओगे, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे, जिनके लिए इन बुक्स को रीड करना उनको समझना काफी ज्यादा टफ होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इन बुक्स के बारे में रिसर्च कर सकते हो, आप लोग गूगल से आप पढ़ सकते हो इन बुक्स के बारे में, आप यूट्यूब से जान सकते हो इन बुक्स के बारे में कि एक्चुअल में ये बुक्स क्या चीज बताती हैं एंड इनकी समरी क्या है, ठीक है। तो अगर आप वो चीज पढ़ लेते हो एंड आप हिंदी में एक अच्छा सा रिव्यू लिख देते हो तो आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से आसानी से उस पर्टिकुलर रिव्यू को जो कि आपने हिंदी में लिखा हुआ है उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि जरूर एक बार आप सभी लोग इस टिप को अपना करके, जो कि इंग्लिश में वीक हैं वो लोग इस टिप को जरूर अपनाएं एंड एक बार इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करके देखें। तो देखो यहाँ पे कई सारी बुक्स गिवन है, ठीक है, एंड उनके रिव्यूज भी यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे लेट सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ रिव्यूज पर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे लोगों ने इस बुक को रिव्यू किया हुआ है एंड मतलब इतने ज्यादा बड़े रिव्यूज नहीं है, छोटे छोटे रिव्यूज होते हैं जो आपको यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। बट जितना ज्यादा इलैबोरेटिव आप अपने रिव्यू को कर पाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी यहाँ पे अर्निंग होगी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये आपको $50 तक देती है एक बुक रिव्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इस पेज पे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो यहाँ पे इनकी रिव्यूअर एप्लीकेशन फॉर्म है इनका, तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। सिंपल सी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट काम करती है, ठीक है। एंड आपने कैसे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है, उसके बाद देखो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस तरीके की बुक्स को आप रिव्यू करना पसंद करते हैं। उसके बाद देखो कोई भी दो बुक्स आपको उठानी है जो भी आपने अपनी जिंदगी में रीड करी होंगी, मतलब जो आपको अच्छी लगी एंड जिन पे आप रिव्यू लिख सकते हो, तो उन पे शॉर्ट्स आपको पैराग्राफ लिखना है दोनों बुक्स पर। उसके बाद ये दोनों फील्ड जो है ये ऑप्शनल है, तो इनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है एंड यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो गाइस जो सेकंड वेबसाइट आती है हमारी, उसका नाम है onlinebookclub.org, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप रिव्यूज करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये आपको $60 पर बुक रिव्यू तक आपको यहाँ पे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बुक्स के यहाँ पे रिव्यूज किए हुए हैं लोगों ने, ठीक है। तो इस पे आपने क्या करना है, देखो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने साइन अप का ऑप्शन होगा, तो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये लोग आपको ऑन योर ईमेल ही रिवर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो गाइस जो थर्ड वेबसाइट आती है हमारी, इसका नाम है purposereviews.com, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जॉनर्स आपको बुक्स के मिलते हैं, जैसे फिक्शन हो गया, थ्रिलर, मिस्ट्री, रोमांस, साइंस फिक्शन, ठीक है, करंट इवेंट्स। ये जो वेबसाइट है ये भी काफी अच्छा अमाउंट आपको यहाँ पे देती है, ठीक है। $40 to $90 पर रिव्यू यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके करियर पेज पे आना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपने देखो यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस पे इनको रिवर्ट करना होता है, आपने अपना रिज्यूमे विद राइटिंग सैंपल्स आपने इनको सेंड करना है। अगर आप राइटिंग सैंपल्स अपने भेजोगे तो वो एक एडिशनल एडवांटेज होगी, क्योंकि उससे ये लोग जज कर पाएंगे कि आप किस तरीके के रिव्यूज लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी फेवरेट बुक्स हैं उन्हीं पे आप रिव्यू करके इनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर ये लोग आपको रिवर्ट कर देते हैं। उसके बाद देखो गाइस, जो फोर्थ प्लेटफॉर्म आता है हमारा, उसका नाम है readsy.com। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप काफी सारी बुक्स को रीड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आपको इनके रिव्यूअर्स पेज पे आना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो गेट रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क। तो यहाँ पे जो आपको ये अमाउंट देते हैं दैट इज बिटवीन $1 to $5। तो यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होती है देखो इतनी ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू दी अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जो अदर प्लेटफॉर्म्स है उनमें आपकी एक फिक्स अर्निंग होती है। ठीक है, जो आपको प्लेटफॉर्म ही देता है, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक फिक्स अर्निंग उस तरीके की नहीं देता आपको अमाउंट, बट एक रिवॉर्ड ये आपको देता है फॉर रीडिंग बुक्स। ठीक है, कि आपने उनकी बुक्स को रीड किया है, एंड एक तरीके से यू नो जो भी यहाँ पे जो लोग हैं जो अपनी बुक्स को पब्लिश कर रहे हैं, जो पब्लिशर्स हैं, उनकी आपने हेल्प करी है। तो यहाँ पे ये $1 to $5 आपको यहाँ पे देते हैं बुक्स को रीड करने का, ठीक है, एज अ थैंक यू रिवॉर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अप्लाई टू बिकम अ रिव्यूअर है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे देखो इस पेज पे आप आ जाओगे, एंड यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल डिटेल्स डालनी है, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट करनी है, जैसे आपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपना यहाँ पे देना है। उसके अलावा देखो यहाँ पे दो फॉर्मेट्स भी इन्होंने दिए हुए हैं कि किस फॉर्मेट में आप अपने रिव्यूज को पब्लिश करोगे, आप रिटन फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में करोगे, या फिर आप वीडियो बनाओगे, तो वीडियो भी आप चाहो तो आप बना सकते हो। सो गाइस, इस तरीके से सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाली होती है। उसके अलावा देखो ये वाली जो वेबसाइट है readsy.com ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है इस वेबसाइट में, कि आप जिन भी बुक्स को रीड करते हो उनका रिव्यू आपको दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देना होता है। ठीक है, जैसे बाकियों में क्या है कि आप उसी वेबसाइट में रिव्यू पब्लिश करते हो, बट यहाँ पर आप सोशल मीडिया में पब्लिश करते हो, यानी कि आप ब्लॉग पे डाल सकते हो उसको, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हो, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। तो वो सारी चीजें लोग पूछते हैं, जैसे कि कहाँ पे आप रिव्यूज पब्लिश करोगे, ठीक है, ब्लॉग है आपका या आपका चैनल है। उसके अलावा अगर आपने कोई रिव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कहीं पर किसी ब्लॉग पर, या फिर हो सकता है मे बी कोरा पर, या फिर किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसका URL आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म करके आपने यहाँ पे इन डिटेल्स को सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपने इन पे साइन अप करना होता है। मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर एक बार इसको ट्राई करें, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे एक बार साइन अप करके देखें। अगर किसी भी एक प्लेटफॉर्म में भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है यहाँ पे, तो आप काफी अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं चाहूंगी आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। सो गाइज, इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।